Hi students, I am Nihar Ranjan Nanda. I am going to teach you about the uses of a few, a little and little. Some students are confused when to use a few or few, when to use a little or when to use little. They are confused. They use a few instead of few, and they also use little instead of a little. Then to clear your doubts, please start from the beginning. Little and a few are quantifier meaning सम. लिटिल और फ्यू का कुछ परिमाणवाचक अर्थ है जिसका अर्थ है सम कुछ. लिटिल एंड फ्यू हैव नेगेटिव मीनिंग्स. लिटिल और फ्यू का कुछ नकारात्मक अर्थ होती है. वी यूज देम टू मीन नॉट एज मच एज. हम उसको यही अर्थ में इस्तेमाल करते हैं जिसका अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ही है. एज मे बी एक्सपेक्टेड, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और विश्ड फॉर, जितना हम चाहते थे उसे बहुत थोड़ा सा, इसलिए इस्तेमाल होती है फ्यू और लिटिल का. तो पहले कंपेयर करेंगे तो पहला वाला सेंटेंस देखो. फर्स्ट सेंटेंस, ऑल सी वांटेड वाज ए फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन. वो जो कुछ भी चाहती है वो कुछ ही वक्त चाहती है. ए फ्यू मोमेंट कुछ ही वक्त, जिसका मीनिंग क्या है सम और ए स्मॉल बर कुछ और कुछ ही वक्त. दूसरा सेंटेंस में देखो, इन सेकेंड सेंटेंस सी हर फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन. उसकी कुछ ही वक्त उसके पास बची है, मतलब ए फ्यू मोमेंट्स मतलब जो वक्त उसके पास बची है वो नहीं के बराबर है. नॉट मेनी ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट नॉन मतलब नहीं के बराबर ही है. इन थर्ड सेंटेंस शी सेव्स ए लिटिल मनी एवरी मंथ. वो हर महीने कुछ ही पैसा बचाती है. उधर कुछ ही पैसा बचाती है, ए लिटिल मनी मतलब कुछ तो है सम कुछ, और ए स्मॉल अमाउंट कुछ ही परिमाण का पैसा बचाती है. लेकिन फोर्थ सेंटेंस में लिटिल का इस्तेमाल हुआ है. दे हैड लिटिल मनी टू स्पेंड. उनको बहुत कम ही पैसा खर्च करना पड़ती थी, उनको कुछ ही पैसा खर्च करना पड़ता था. तो जो लिटिल यूज हुआ है, सिर्फ लिटिल यूज हुआ है, जिसका मतलब क्या है नॉट मच मतलब ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग जो कि नहीं के बराबर ही है. तो हमने चार ठो चीज़ दिखे हैं. पहले से ए फ्यू जिसका कुछ अर्थ है लेकिन फ्यू उससे भी नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर ही है. ए लिटिल वो कुछ अर्थ है कुछ है, लेकिन लिटिल इसका भी अर्थ है लेकिन नहीं के बराबर है. टू गेट मोर वीडियोस ऑन फ्यू लिटिल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल.